इंट्रोडक्शन का चौथा लेक्चर लेके आया है, जिसमें जो जो भी हमारा अगला टॉपिक है वो पढ़ने वाले। आपको पता है कि सबसे पहला लेक्चर जो था हमारा इंट्रोडक्शन का, जिसमें हमने क्या पढ़ा था, सर्कुलर मोशन। तो जब अगर सर्कुलर मोशन की हम बात करें तो उसको हम दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, एक यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन और एक नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन क्या होता है और नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन क्या होता है, आज उसी के बारे में हम स्टडी करने वाले हैं। ठीक है, तो पहले थोड़ा सा रिकॉल कर लेते हैं कि हमने सर्कुलर मोशन में क्या पढ़ा था। सबसे फर्स्ट लेक्चर जो हमने पढ़ा था सर्कुलर मोशन के बारे में, तो सर्कुलर मोशन क्या होता है, सर्कुलर मोशन किस वजह से होता है, अगर कोई भी ऑब्जेक्ट अगर सर्कुलर मोशन कर रहा है तो उसके पास कौन सा फोर्स होना चाहिए, और उसमें और बहुत सारे उसके कुछ अलग अलग एग्जांपल्स, ये चीजें हमने देखा था। तो सर्कुलर मोशन में हमने क्या देखा कि अगर कोई भी ऑब्जेक्ट अगर एक सर्कमफेरेंस के अलोंग अगर मोशन करता है, किसी भी प्रकार का ऑब्जेक्ट अगर एक सर्कमफेरेंस के अलोंग अगर मोशन करता है तो उसी मोशन को क्या कहा जाता है, सर्कुलर मोशन। तो जैसे अगर हम ये हमारा एक सर्कल है, यहाँ पे उसका क्या है, इसको क्या बोलते हैं, सेंटर, और ये डिस्टेंस होता है हमारे पास रेडियस। तो जब अगर यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट है, कोई पार्टिकल है, और अगर इस सर्कमफेरेंस के अलोंग अगर वो मोशन कर रहा है, तो इसका मतलब ये ऑब्जेक्ट कौन सा मोशन कर रहा है, सर्कुलर मोशन कर रहा है। और हमको ये भी पता है कि अगर ये सर्कुलर मोशन कर रहा है तो इसके पास कौन सा फोर्स होना चाहिए, सेंट्रीपेटल फोर्स, सेंट्रीपेटल फोर्स, जिसको सीपीटी भी हम बोलते हैं। तो आपको एक बात पता है कि अगर जब जब भी कोई ऑब्जेक्ट अगर सर्कुलर मोशन कर रहा है तो 100% हम बता सकते हैं कि उसके पास कौन सा फोर्स होता है, सेंट्रीपेटल फोर्स, मतलब इसके ऊपर सेंट्रीपेटल फोर्स एक्ट होता है, जिस सेंट्रीपेटल फोर्स के यूज के वजह से वो कौन सा मोशन कर पाता है, सर्कुलर मोशन। तो पता है कि अगर हम सर्कुलर मोशन की बात करें, वो अगर ये मोशन कर रहा है तो हमको पता है कि अगर ये मोशन कर रहा है तो उसके जो हमको वेरिएबल्स पता है, डिस्प्लेसमेंट होता है, वेलोसिटी होती है, एक्सेलरेशन होता है, टाइम होता है, ये मोशन के कुछ वेरिएबल्स है। तो अभी जैसे अगर मैं सर्कुलर मोशन की बात करता हूँ, इसका मतलब इस ऑब्जेक्ट के पास जो सर्कुलर मोशन कर रहा है उस ऑब्जेक्ट का कुछ तो कुछ डिस्प्लेसमेंट भी होगा, उसकी कुछ वेलोसिटी भी होगी और उसका कुछ एक्सेलरेशन भी होगा। ठीक है, तो अगर मैं इसकी वेलोसिटी की बात करूं, वेलोसिटी हमारी कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी है मतलब एक ऐसी फिजिकल क्वांटिटी जिसको पूरी तरीके से डिस्क्राइब करने के लिए मैग्नीट्यूड और उसके साथ में डायरेक्शन की भी जरूरत पड़ती है। तो इसका मतलब इस ऑब्जेक्ट की यहाँ पे जो पार्टिकल सर्कुलर मोशन कर रहा है, और अगर वो सर्कुलर मोशन कर रहा है इसका मतलब उसके पास अगर वेलोसिटी होगी तो उसका कुछ मैग्नीट्यूड भी होगा और उसकी कुछ तो बीच डायरेक्शन भी होगी। तो सर इसकी डायरेक्शन कहाँ पे होगी, तो जब भी अगर कोई ऑब्जेक्ट अगर सर्कुलर मोशन करता है तो उसके वेलोसिटी की जो डायरेक्शन होती है वो हमेशा टेंजेंशियल होती है, जो टेंजेंट को टच करके जाती है, मतलब इधर साइड, ये इस तरीके से। अगर अभी ऑब्जेक्ट यहाँ पे तो उसकी डायरेक्शन इधर साइड होगी, अगर ये ऑब्जेक्ट अगर यहाँ पे तो उसकी डायरेक्शन ऐसी होगी, अगर ऑब्जेक्ट यहाँ पे तो उसकी डायरेक्शन ऐसी होगी, ऑब्जेक्ट यहाँ पे तो उसकी डायरेक्शन ऐसी होगी, और अगर ऑब्जेक्ट यहाँ पे तो उसकी डायरेक्शन इस तरीके से होगी। तो सर्कल में कहीं पे भी रहे, किसी भी जगह पे रहे, सर्कमफेरेंस में किसी भी जगह पे रहे, उसका मैग्नीट्यूड कुछ भी हो सकता है, उससे मतलब नहीं है, लेकिन उस वेलोसिटी की, ऑब्जेक्ट की जो वेलोसिटी रहेगी उसकी पॉइंट टू पॉइंट हमेशा डायरेक्शन कैसी हो रही है, चेंज हो रही है। पहले यहाँ पे तो डायरेक्शन इधर आ रही थी, यहाँ पे आया तो डायरेक्शन इधर आ रही है, यहाँ पे आया तो डायरेक्शन इधर, और यहाँ पे आया तो डायरेक्शन इधर। तो जैसे जैसे पार्टिकल आगे आगे मूव करते जाएगा, कुछ ना कुछ टाइम हमको मिलता रहेगा और टाइम धीरे धीरे इंक्रीज होगा, वैसे वैसे उसके वेलोसिटी की डायरेक्शन भी क्या होती रहेगी, चेंज होते रहेगी। ठीक है, तो ये चीजें सब हम 11th क्लास में पढ़ चुके हैं। तो ये हमने सर्कुलर मोशन में देखा था। अभी हम देखते हैं कि सर्कुलर मोशन के जो दो टाइप्स के नाम बताया था मैंने, वो टाइप्स क्या क्या होते हैं। तो अगर सर्कुलर मोशन को हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं तो उसमें सबसे पहला आता है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, और दूसरा आता है नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन,
यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के दो टाइप, सबसे पहला यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन और दूसरा नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, ये 11th क्लास में पढ़ चुके हो। इससे रिलेटेड कुछ एक्सप्रेशन भी थे, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में वेलोसिटी का एक्सप्रेशन, सेंट्रीपेटल का एक्सेलरेशन, सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन का एक्सप्रेशन, वो सब भी हम थोड़ा सा इसके बाद में डिस्कस करेंगे। लेकिन आज जो हमारा मेन टॉपिक है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन और नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन यानी क्या होता है। तो जैसे ही अगर नाम आता है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, तो यहाँ पे जो भी ऑब्जेक्ट करने वाला है इस नाम से समझ में आता है कि भाई सबसे पहले तो कौन सा मोशन कर रहा होगा, सर्कुलर मोशन कर रहा होगा और यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कर रहा है। यूनिफॉर्म मतलब क्या, यूनिफॉर्म का वर्ड जो आप कॉलेज में या स्कूल में यूनिफॉर्म पहन के जाते हो तो उसको यूनिफॉर्म क्यों कहा जाता है, क्योंकि जितने सारे भी बच्चे होते हैं वो सब एक जैसे दिखते हैं। मतलब यूनिफॉर्म का वर्ड क्या होता है, एक जैसा है, जिसको हम सेम बोलते हैं। यूनिफॉर्म का मतलब क्या, सेम या फिर कॉन्स्टेंट। यूनिफॉर्म का मतलब क्या होता है, सेम या फिर कॉन्स्टेंट। तो इसका मतलब एक बात ऐसी है कि जब भी अगर कोई ऑब्जेक्ट अगर सर्कुलर मोशन कर रहा है, अगर कोई भी ऑब्जेक्ट अगर सर्कुलर मोशन कर रहा है तो आप एक ऐसी कोई ना कोई तो भी चीज होगी जो हर समय कैसी होगी, सेम होगी या फिर कॉन्स्टेंट होगी। क्या बोला अभी मैंने, हमको पता है कि अगर यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन की हम बात कर रहे हैं, नाम से समझ में आ रहा है कि सर्कुलर मोशन हो रहा है, मतलब यहाँ पे कोई ना कोई तो ऑब्जेक्ट सर्कुलर मोशन कर ही रहा होगा। और अगर वो सर्कुलर मोशन कर रहा है और यूनिफॉर्म हमने बोला, तो यूनिफॉर्म का मतलब क्या होता है, सेम या फिर कॉन्स्टेंट। तो जब अगर कोई ऑब्जेक्ट अगर सर्कुलर मोशन कर रहा है तो वहां पे उस ऑब्जेक्ट की ऐसी कोई ना कोई तो भी चीज हमेशा क्या होगी, सेम होगी या फिर कॉन्स्टेंट होगी। सेम होगी या कॉन्स्टेंट होगी मतलब वो चेंज नहीं हो रही होगी। तो जैसे अगर जैसे जैसे अगर टाइम बढ़ते जा रहा है, टाइम तो बढ़ते जाएगा लेकिन उसकी एक ऐसी कोई तो भी चीज होगी जो चेंज होने वाली नहीं है, और वो कोई दूसरी और चीज नहीं, वो कहलाती है हमारी वेलोसिटी। वो क्या कहलाती है, हमारी वेलोसिटी। तो जब भी अगर कोई ऑब्जेक्ट अगर सर्कुलर मोशन कर रहा है और वो सर्कुलर मोशन करते समय अगर उसकी वेलोसिटी जो होती है अगर वो चेंज नहीं होती, चेंज नहीं होती मतलब कॉन्स्टेंट होती है। अगर जब भी अगर कोई ऑब्जेक्ट अगर सर्कुलर मोशन कर रहा है और उसकी वेलोसिटी अगर चेंज होती है, सॉरी चेंज नहीं होती, तो वो कौन सा मोशन कहलाएगा, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। कौन सा मोशन कहलाएगा, वो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। अगर जब भी कोई ऑब्जेक्ट अगर सर्कुलर मोशन कर रहा है और उसकी जो वेलोसिटी होगी, कौन सी वेलोसिटी, वो लीनियर हो या एंगुलर हो, किसी की भी बात कर सकते हैं हम लोग, ठीक है। तो जब अगर सर्कुलर मोशन की हम बात करें, तो जब अगर कोई भी ऑब्जेक्ट अगर सर्कुलर मोशन की मोशन कर रहा है और उसकी वेलोसिटी अगर पॉइंट टू पॉइंट हमेशा हर एक टाइम इंटरवल में अगर कॉन्स्टेंट होती है, तो उस प्रकार के मोशन को हम बोलेंगे यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। अब शायद किसी के मन में क्वेश्चन आ रहा होगा, सर किसी ने बोला होगा, सर अभी तो हमको बताया गया था कि जब अगर कोई ऑब्जेक्ट सर्कुलर मोशन कर रहा है और उसका कुछ तो भी सेंटर है और उसकी ये रेडियस, तो जहां तो उसकी अगर इस ऑब्जेक्ट जो है आपको सर्कुलर मोशन कर रहा है और उसकी जो वेलोसिटी की हम बात कर रहे हैं, तो उसकी वेलोसिटी हमेशा कैसी होती है, पॉइंट टू पॉइंट चेंजेस होती है। तो सर यहाँ पे पूरी तरीके से कॉन्स्टेंट कैसे हो गई, तो जब अगर हम यहाँ पे बात करते हैं तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में अगर हम वेलोसिटी की बात करें, तो वेलोसिटी में जो उसकी डायरेक्शन तो हमेशा ही चेंज होगी, वो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन हो या किसी भी प्रकार का सर्कुलर मोशन हो, लेकिन उसकी डायरेक्शन लीनियर वेलोसिटी की हमेशा कैसे होती रहेगी, चेंज होती रहेगी। जैसे जैसे टाइम बढ़ता जाएगा पार्टिकल अपना मोशन करता जाएगा, जैसे जैसे अगर पार्टिकल की पोजीशन चेंज होगी वैसे वैसे उसकी वेलोसिटी की डायरेक्शन भी चेंज होगी। लेकिन वेलोसिटी के डायरेक्शन के साथ साथ वेलोसिटी में कुछ तो भी मैग्नीट्यूड भी होता है, तो वो जो मैग्नीट्यूड होता है उस वेलोसिटी का वो हमेशा कैसा रहता है, कॉन्स्टेंट। अगर इसका मैग्नीट्यूड यहाँ पे 5 मीटर पर सेकंड है, इसकी वेलोसिटी यहाँ पे उसका मैग्नीट्यूड अगर 5 मीटर पर सेकंड है, तो यहाँ पे भी जो आएगा वो भी 5 मीटर पर सेकंड ही आएगा। अगर ऑब्जेक्ट यहाँ पे आ गया और उसकी अगर ये डायरेक्शन वैसे भी चेंज होगी, पहले इधर थी फिर इधर आ गई अभी इधर आ गई, लेकिन उसका जो मैग्नीट्यूड होगा यहाँ पे भी 5 मीटर पर सेकंड ही आएगा। यहाँ पे अगर ऑब्जेक्ट की बात करते हैं, ये उसकी डायरेक्शन फिर से यहाँ पे चेंज होगी, लेकिन यहाँ पे जो उसका मैग्नीट्यूड होगा वो भी 5 मीटर पर सेकंड ही आएगा। और अगर यहाँ पे भी ऑब्जेक्ट आ जाता है जिसकी डायरेक्शन फिर से चेंज होगी आगे पार्टिकल की पोजीशन चेंज होने के बाद, लेकिन इसका भी जो मैग्नीट्यूड होगा वो भी यहाँ पे कैसा रहेगा,
तो उसका भी मैग्नीट्यूड कैसा आएगा, सेम। तो अगर हम यहाँ पे वेलोसिटी की बात करते हैं तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में क्या होता है, उसका मैग्नीट्यूड तो कांस्टेंट होता है लेकिन उसकी डायरेक्शन कांस्टेंट नहीं होती। तो अगर इसका मैग्नीट्यूड यहाँ पे कांस्टेंट है तो हम वेलोसिटी ना बोलते हुए उसमें वर्ड यूज करते हैं स्पीड। स्पीड क्यों, क्योंकि स्पीड में डायरेक्शन का कोई लेना देना ही नहीं होता, स्पीड हमारी स्केलर क्वांटिटी है। तो हम यहाँ पे यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में ये भी बात बोल सकते हैं कि अगर कोई ऑब्जेक्ट अगर कोई ऑब्जेक्ट सर्कुलर मोशन कर रहा है और उस ऑब्जेक्ट में अगर उसकी स्पीड कांस्टेंट है, इसका मतलब वो कौन सा मोशन कर रहा है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। लेकिन अगर हम वेलोसिटी की बात करते हैं तो वेलोसिटी कैसी क्वांटिटी है हमारी, वेक्टर क्वांटिटी, जिसको पूरी तरीके से डिस्क्राइब करने के लिए मैग्नीट्यूड और साथ में उसकी डायरेक्शन की भी जरूरत पड़ती है। तो यहाँ पे वेलोसिटी का जो मैग्नीट्यूड है वो हमेशा कांस्टेंट दिख रहा है हमको, यहाँ पे 5 मीटर पर सेकेंड, यहाँ पे भी 5 मीटर पर सेकेंड, ये भी 5 मीटर पर सेकेंड और ये भी 5 मीटर पर सेकेंड, लेकिन उसका मैग्नीट्यूड तो हमको कांस्टेंट दिख रहा है। लेकिन हर पॉइंट टू पॉइंट जैसे जैसे पार्टिकल मोशन कर रहा है और उसकी पोजिशन चेंज हो रही है, वैसे वैसे उसकी डायरेक्शन भी क्या हो रही है, चेंज हो रही है। तो हमको अभी हमने क्या देखा कि सर्कुलर मोशन अगर किसी भी प्रकार का ऑब्जेक्ट करता है तो वहां पे उसकी स्पीड अगर कांस्टेंट है, उसकी स्पीड अगर कांस्टेंट है पूरी तरीके से सेम है, जिसकी वैल्यू चेंज नहीं हो रही है, तो उस प्रकार के मोशन को हम बोलेंगे यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। या फिर अगर ऐसा कोई ऑब्जेक्ट जो सर्कुलर मोशन कर रहा है और वो सर्कुलर मोशन करते समय उसकी वेलोसिटी कांस्टेंट है बट इन मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन में नहीं, उसकी वेलोसिटी कांस्टेंट है क्या है, मैग्नीट्यूड में, तो उस प्रकार के मोशन को भी हम बोलेंगे यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। तो अगर सर्कुलर मोशन को सिंपल तरीके से डिफाइन करना है तो हम बहुत अच्छे तरीके से बोल सकते हैं यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन इज डिफाइंड एज द मोशन ऑफ अ पार्टिकल अलोंग द सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल विद अ कांस्टेंट वेलोसिटी। अगर किसी भी प्रकार का पार्टिकल अगर सर्कुलर मोशन कर रहा है और वो सर्कुलर मोशन करते समय उसकी वेलोसिटी कांस्टेंट है इन मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन में नहीं, अगर उसकी वेलोसिटी कांस्टेंट है मैग्नीट्यूड में, तो उस प्रकार के मोशन को हम बोलेंगे यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। या फिर वेलोसिटी के जरिए हम वर्ड यूज करते हैं स्पीड। स्पीड इसीलिए क्योंकि स्पीड वैसे भी सिर्फ मैग्नेट मतलब स्केलर क्वांटिटी है, वहां पे डायरेक्शन का कोई लेना देना ही नहीं है, वो सिर्फ मैग्नेट, उसको पूरी तरीके से डिस्क्राइब करने के लिए सिर्फ मैग्नीट्यूड की जरूरत पड़ती है, इसलिए स्पीड को हम स्केलर क्वांटिटी बोलते हैं। तो अभी हमने देख लिया कि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन क्या होता है। तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन यानी क्या देखा हमने, द मोशन ऑफ पार्टिकल अलोंग द सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल विद कांस्टेंट वेलोसिटी इज कॉल्ड एज यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। जब जब अगर कोई पार्टिकल अगर सर्कुलर मोशन करेगा और उस सर्कुलर मोशन में अगर उसकी स्पीड कांस्टेंट है या फिर उसकी वेलोसिटी कांस्टेंट है इन मैग्नीट्यूड नॉट इन डायरेक्शन, तो जब अगर उसकी बात करते हैं उसकी वेलोसिटी अगर कांस्टेंट है मैग्नीट्यूड में, तो उस प्रकार के मोशन को हम बोलेंगे यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। अभी मैं यहाँ पे उसकी डेफिनेशन लिखता हूँ, आप नोट कीजिएगा। अगर यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन को शॉर्ट में यूसीएम लिखा जाता है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन को अगर हम डिफाइन करना है तो हम लिखते हैं द मोशन ऑफ पार्टिकल अलोंग द सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल, द मोशन ऑफ पार्टिकल अलोंग द सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल विथ कॉन्स्टेंट वेलोसिटी, विथ कॉन्स्टेंट वेलोसिटी इज कॉल्ड एज यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। उसी को हम क्या बोलेंगे, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन बोलेंगे। और अगर इसके एग्जांपल्स हमको कुछ देखना है तो बहुत अच्छे अच्छे एग्जांपल्स है हमारे पास। जैसे अगर हम एग्जांपल्स की बात करें तो सबसे पहला एग्जांपल, बीच में होता है सन और उसके चारों ओर घूमने वाले कैसे प्लैनेट, तो बहुत सारे होते हैं लेकिन हम अर्थ पर रहते हैं इसलिए उसी को हमेशा एग्जांपल में कंसिडर करते हैं। बीच में होता है सन और चारों ओर घूमती है अर्थ, तो आपने कभी देखा होगा वो भी हमारा एक यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का ही हिस्सा है। आपने बहुत बार ऑब्जर्व किया होगा जैसे एक साल गुजरता है तो हर एक साल कब कंप्लीट होता है, पूरे 12 महीने में। कभी ऐसा होता है कि एक साल कंप्लीट होने में कभी 13 महीने लगे हो या फिर 14 महीने लगे हो, या फिर अगर अर्थ एकदम फास्ट फास्ट घूमने निकल जाए तो उसके
जो पूरा एक साल कंप्लीट हो, कभी 11 महीने में या 10 महीने में, ऐसा कभी हुआ है क्या? ऐसा कभी भी नहीं होता। जब भी अगर एक साल कंप्लीट होगा तो पूरे 12 महीने में ही कंप्लीट होता है। ऐसा क्यों? कि जिस ऑर्बिट में वो घूमते हो, ऑर्बिट तो चेंज होता ही नहीं, बिल्कुल सेम होता है। उसकी सरकमफेरेंस जो होती है, उस सरकमफेरेंस की लेंथ उतनी होती है। तो जो अर्थ सन के अराउंड चारों तरफ जो मोशन करती है, उस मोशन की जो स्पीड होती है, उसकी जो वेलोसिटी होती है, वो हमेशा कैसी होती है? कांस्टेंट। और अगर पाथ चेंज नहीं हो रहा उनका, जो उनका पाथ लेंथ है, जिस पाथ में वो मोशन कर रहे हैं, वो पाथ तो चेंज नहीं हो रहा है अर्थ का। तो पाथ चेंज नहीं हो रहा है मतलब ना डिस्टेंस कम ज्यादा हो रहा है, डिस्टेंस तो उनको हमेशा उतना ही लग रहा है। तो हमेशा जब डिस्टेंस अगर उतना ही लग रहा है और टाइम भी उतना ही लग रहा है, वो इसीलिए क्योंकि उनकी वेलोसिटी हमेशा कैसी होती है? कांस्टेंट। इसीलिए वो हमेशा जब भी अगर उसी पाथ में अगर मोशन करते हैं, तो उनको एक साल कंप्लीट करने में, मतलब एक साल कंप्लीट करने में हमेशा 12 महीने ही लगते हैं। जब भी अगर वो सन के चारों ओर अगर एक रिवॉल्यूशन कंप्लीट करते हैं, तो एक रिवॉल्यूशन कंप्लीट करने में पूरा अर्थ को सन के पूरा चारों तरफ एक चक्कर लगाने में कितना? पूरा 12 महीने ही लगते हैं। वो हर बार अगर जब भी ये करेंगे तो बिल्कुल उसी तरीके से उतने ही 12 महीने लगते हैं। क्यों? क्योंकि उसकी वेलोसिटी कैसी होती है? कॉन्स्टेंट। इसीलिए हम यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का वो भी एग्जाम्पल लिख सकते हैं, द मोशन ऑफ अर्थ अराउंड द सन इज एग्जाम्पल ऑफ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। वो भी यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का कैसे एकदम बेस्ट एग्जाम्पल है। बिल्कुल उसी तरीके से मून भी सन के चारों ओर घूमता है, तो मून भी सन सॉरी मून भी अर्थ के चारों ओर घूमता है। तो जब अर्थ बीच में और चारों तरफ अगर मून मोशन कर रहा है, तो वो भी उसके चारों तरफ बिल्कुल सेम टाइम इंटरवल में जब जब एक चक्कर लगाएगा, तो उसको हर बार एक चक्कर लगाने के बाद, मतलब एक रिवॉल्यूशन कंप्लीट करने के बाद जो लगने वाला टाइम होता है, वो बिल्कुल सेम टाइम में होता है। सेम टाइम इसीलिए होता है क्योंकि वेलोसिटी कैसी होती है? कॉन्स्टेंट होती है। इसलिए वो भी हमारा यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का एग्जाम्पल है। तो इस यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के एग्जाम्पल में हम लिख सकते हैं, एग्जाम्पल में सबसे पहला एग्जाम्पल द मोशन ऑफ अर्थ अराउंड द सन इज यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। जब अर्थ अगर सन के अराउंड अगर जो मोशन करती है, वो हमारा यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में आता है। क्यों? क्योंकि अर्थ की जो वेलोसिटी होती है, वो कैसी होती है? कांस्टेंट। बिल्कुल उसी तरीके से अगर सेकंड एग्जांपल देखें, द मोशन ऑफ मून अराउंड The motion of moon around the earth is uniform circular motion. ये हो जाते हैं हमारे uniform circular motion के दो एग्जाम्पल। तो अब यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में हमने क्या देखा कि जब भी अगर कोई पार्टिकल अगर मोशन कर रहा है और उस पार्टिकल की अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है मैग्नीट्यूड में, या फिर अगर उसकी स्पीड कांस्टेंट है, तो उस प्रकार के मोशन को हम बोलेंगे यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। और उसके हमने एग्जाम्पल देखा, सबसे पहला एग्जाम्पल द मोशन ऑफ अर्थ अराउंड द सन इज यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन एंड द मोशन ऑफ मून अराउंड द अर्थ इज यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। और अगर आप कभी मेले वगैरह में गए होंगे घूमने के लिए, तो आप मैक्सिमम किसी ने देखा होगा या नहीं देखा होगा, लेकिन मैक्सिमम लोगों ने मौत का कुआं जरूर देखे होंगे। तो जब मौत के कुएं में वो जो एक कोई बाइक चलाने वाला है, कार चलाने वाला, जो भी वहां पे बाइक या कार चलाते, तो वहां पे भी हम ऑब्जर्व कर रहे हैं, वो जो एक्सेलेरेटर एक बार अगर बढ़ा लेते हैं एक पर्टिकुलर स्पीड या वेलोसिटी को कंसिडर कर लेते हैं कि इतनी स्पीड पे चलाना है, तो वो कभी ना एक्सेलेरेटर को ऊपर घुमाते और ना नीचे करते हैं। क्यों? क्योंकि उनकी वेलोसिटी कैसी होती है? वहां पे कॉन्स्टेंट होती है। और जब तक कि अगर उनकी वेलोसिटी कॉन्स्टेंट होती है, इसीलिए वो वहां पे भी इसी तरीके से मौत के कुएं में गाड़ी चला पाते। तो वो भी हमारा एक यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का अच्छा एग्जाम्पल है। ठीक है, तो अभी ये जो हमने डेफिनेशन और एग्जाम्पल लिखा, आप इसको नोट कर लो या फिर स्क्रीनशॉट ले लो।
आप लोगों ने इसको नोट कर लिया होगा। अब इस यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के बाद हम देखते हैं अगला टॉपिक, नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। अभी सबसे पहले हमने सर्कुलर मोशन के दो टाइप बताया मैंने, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन और नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। और यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन हमने देखा कि जब अगर कोई ऑब्जेक्ट सर्कुलर मोशन कर रहा है और उसके अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है तो वो क्या हो जाएगा, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन उसको हम बोलेंगे। और उसके फिर एग्जाम्पल भी देखिए, उसकी डेफिनेशन और एग्जाम्पल। तो अभी इसमें कुछ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के लिए मैं कुछ पॉइंट बता रहा हूँ, वो पॉइंट ध्यान में रखिएगा, ठीक है। तो अगर यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के लिए बात की जाए तो अभी मैंने बताया कि जब जब अगर कोई ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कर रहा है, अगर जब जब कोई ऑब्जेक्ट अगर सर्कुलर मोशन कर रहा है उसमें अगर उसकी वेलोसिटी कैसी होती है कांस्टेंट, अगर उसकी वेलोसिटी कैसी होती है कांस्टेंट, तो उसको हम क्या बोलेंगे, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। लेकिन हमने देखा कि अगर उसकी जो लीनियर वेलोसिटी की हम बात करते हैं, लीनियर वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड तो कांस्टेंट होता है लेकिन डायरेक्शन कैसी होती है चेंजेस। तो एक हमारा पॉइंट हो सकता है, उसको हम लिख सकते हैं सबसे पहला पॉइंट, उसमें यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में हम लिख सकते हैं, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में हम लिख सकते हैं द लीनियर वेलोसिटी, द लीनियर वेलोसिटी ऑफ ए पार्टिकल, द लीनियर वेलोसिटी ऑफ ए पार्टिकल परफॉर्मिंग यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, द लीनियर वेलोसिटी ऑफ ए पार्टिकल परफॉर्मिंग यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन इज कॉन्स्टेंट इन मैग्नीट्यूड ओनली, बट चेंजेस इन डायरेक्शन। तो अभी जैसे अगर हम यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में देखे तो हमको पता है कि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन हो या सर्कुलर मोशन हो, तो जब अगर वहां पर लीनियर वेलोसिटी की बात करते हैं तो उस लीनियर वेलोसिटी में हमेशा लीनियर वेलोसिटी की डायरेक्शन कैसी होती है टेंजेंशियल, तो टेंजेंट भी उधर टच करके जाती है, वो हमेशा पॉइंट टू पॉइंट कॉन्स्टेंट उसकी डायरेक्शन नहीं होती, वो हमेशा कैसी होती है चेंज। इसलिए हमने यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में लिखा द लीनियर वेलोसिटी ऑफ ए पार्टिकल परफॉर्मिंग यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, जब अगर यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन पार्टिकल करता है तो उस पार्टिकल की जो लीनियर वेलोसिटी होती है वो कैसी होती है कॉन्स्टेंट, लेकिन सिर्फ मैग्नीट्यूड में, वो डायरेक्शन में कॉन्स्टेंट नहीं होती, और डायरेक्शन में कॉन्स्टेंट नहीं होती मतलब डायरेक्शन में वो क्या होती है चेंजेस होती है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा पहला पॉइंट। अब अगर इसी को लेके बात करें तो थर्ड लेक्चर में या 11th क्लास में आप पढ़ चुके हो कि हमने एक्सेलरेशन के बारे में बात किया, लीनियर एक्सेलरेशन के बारे में। तो लीनियर एक्सेलरेशन क्या बोलता है कि चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, जब जब वेलोसिटी अगर चेंज होगी टाइम के रिस्पेक्ट में तब तब हमको क्या मिलेगा एक्सेलरेशन। लेकिन अगर हम यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन की बात करें तो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में क्या हो रहा है, वेलोसिटी तो चेंज ही नहीं हो रही है कॉन्स्टेंट है, वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही है कॉन्स्टेंट है। और जब अगर ये चेंज ही नहीं हो रही है कॉन्स्टेंट एक जैसी, इसका मतलब क्या एक्सेलरेशन क्या आने वाला नहीं है, क्योंकि एक्सेलरेशन को हमने डिफाइन करते समय लिखा कि जब जब अगर वेलोसिटी चेंज होगी टाइम के रिस्पेक्ट में उस समय हमको एक्सेलरेशन मिलेगा। लेकिन यहाँ पे वेलोसिटी चेंज हो रही है क्या, वेलोसिटी चेंज ही नहीं हो रही, इसका मतलब यहाँ पे एक्सेलरेशन क्या आ जाएगा जीरो, यहाँ पे एक्सेलरेशन क्या आ जाएगा जीरो। लेकिन एक्सेलरेशन जीरो आने वाला है लेकिन कहाँ पे आएगा, सिर्फ मैग्नीट्यूड में। एक्सेलरेशन लीनियर एक्सेलरेशन की बात कर रहे हैं, लीनियर एक्सेलरेशन जीरो आने वाला है लेकिन सिर्फ किसमें आएगा मैग्नीट्यूड में, वो डायरेक्शन में जीरो आने वाला नहीं है। तो हम सेकेंड पॉइंट में लिख सकते हैं, सेकेंड पॉइंट द लीनियर एक्सेलरेशन, द लीनियर एक्सेलरेशन ऑफ ए पार्टिकल, द लीनियर एक्सेलरेशन ऑफ ए पार्टिकल परफॉर्मिंग यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, परफॉर्मिंग
यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन इज जीरो इन मैग्नीट्यूड बट नॉट इक्वल्स टू जीरो इन डायरेक्शन बट नॉट इक्वल्स टू जीरो इन डायरेक्शन. हमको पता है कि अगर हम लीनियर वेलोसिटी की बात करते तो लीनियर वेलोसिटी यूनिफॉर्म सर्कुलर में कैसी होती है, कॉन्स्टेंट होती है, लेकिन वो सिर्फ मैग्नीट्यूड में होती है. डायरेक्शन में हमेशा कैसी होती है, वो चेंजिंग. तो बिल्कुल उसी तरीके से अगर लीनियर वेलोसिटी मैग्नीट्यूड में कॉन्स्टेंट है तो लीनियर एक्सेलरेशन भी हमको जीरो का आगे मिलेगा, सिर्फ मैग्नीट्यूड में, हमको डायरेक्शन में जीरो होने वाला नहीं है. बिल्कुल उसी तरीके से अगर हम थर्ड पॉइंट की बात करते हैं तो थर्ड लेक्चर में हमने पढ़ा था कि लीनियर, जैसे लीनियर डिस्प्लेसमेंट होता है, लीनियर वेलोसिटी होती है, लीनियर एक्सेलरेशन होता है. बिल्कुल उसी तरीके से जब अगर ऑब्जेक्ट सर्कुलर मोशन करता है तो वहां पर उसका कुछ तो भी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होता है, कुछ तो भी एंगुलर वेलोसिटी होती है और कुछ तो भी एंगुलर एक्सेलरेशन भी होता है. वो लास्ट लेक्चर में आप देख चुके हो, ठीक है. तो जैसे अगर हम लीनियर डिस्प्लेसमेंट या लीनियर वेलोसिटी की बात करें तो हमने लास्ट लेक्चर में लीनियर डिस्प्लेसमेंट सॉरी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर वेलोसिटी और एंगुलर एक्सेलरेशन ये क्या होता है तो देख ही लिए. उसके साथ साथ हमने ये भी देखा था कि उनकी डायरेक्शन कैसे होती है और उसकी डायरेक्शन हमने कौन से रूल से पता किया था, राइट हैंड थंब रूल. तो हमको पता है कि जब अगर एक प्लेन में सर्कल है और उसके ऊपर हमेशा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर वेलोसिटी और एंगुलर एक्सेलरेशन कैसा होता है, हमेशा उसके ऊपर डायरेक्शन उसकी परपेंडिकुलर होती है. तो हमेशा अगर परपेंडिकुलर रहेंगी तो ऊपर की तरफ ही रहेंगी, इसका मतलब उसकी डायरेक्शन हमेशा कैसी रहेगी, कॉन्स्टेंट. तो इसका मतलब अगर हम यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन की बात करें तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में जब उस जो अगर एंगुलर वेलोसिटी की बात करें तो उसका मैग्नीट्यूड तो कांस्टेंट होता ही है लेकिन साथ में उसकी डायरेक्शन भी कांस्टेंट होती है. तो यहां पे लिख सकते हैं द एंगुलर वेलोसिटी ऑफ ए पार्टिकल परफॉर्मिंग यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन इज कॉन्स्टेंट इन मैग्नीट्यूड एज वेल एज इन डायरेक्शन ठीक है. तो अभी हमको पता चल गया कि अगर हम एंगुलर वेलोसिटी की बात करते हैं और यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में जो एंगुलर वेलोसिटी होती है वो मैग्नीट्यूड में तो कांस्टेंट होती है लेकिन साथ में डायरेक्शन में भी कांस्टेंट होती है. ये हो गया हमारा तीसरा पॉइंट. अगर चौथे पॉइंट की बात करें तो हम एंगुलर वेलोसिटी को डिनोट कैसे करते हैं, ओमेगा से. और अगर एंगुलर एक्सेलरेशन की बात करें तो जिसको हम अल्फा से डिनोट करते हैं. अब एंगुलर एक्सेलरेशन यानी हमको पता है एंगुलर एक्सेलरेशन यानी क्या होता है, चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, मतलब डी ओमेगा बाय डीटी. जैसे जैसे अगर एंगुलर वेलोसिटी चेंज होगी टाइम के रिस्पेक्ट में उस कंडीशन में हमको एंगुलर एक्सेलरेशन मिलते जाएगा. लेकिन भाई अभी हमने जो तीसरा पॉइंट लिखे है वहां पे हमने देखा है द एंगुलर वेलोसिटी ऑफ ए पार्टिकल परफॉर्मिंग यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन इज कॉन्स्टेंट मैग्नीट्यूड एज वेल एज इन डायरेक्शन. तो यहाँ पे जो एंगुलर वेलोसिटी जिसके चेंज होने की वजह से हमको एंगुलर एक्सेलरेशन मिलता है तो वो एंगुलर वेलोसिटी अभी चेंज नहीं हो रही है. और जब अगर ये पूरी तरीके से एंगुलर वेलोसिटी चेंज ही नहीं हो रही है तो हमको एक्सेलरेशन मिलने वाला है क्या, नहीं. इसका मतलब जब अगर एंगुलर वेलोसिटी पूरी तरीके से कांस्टेंट है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में, इसका मतलब एंगुलर एक्सेलरेशन जो होगा पूरी तरीके से कैसा होगा, जीरो. एंगुलर एक्सेलरेशन पूरी तरीके से यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में कैसा होगा, जीरो. तो ये हमारा चौथा पॉइंट बन गया जिसमें हम लिखेंगे द एंगुलर एक्सेलरेशन of a particle performing uniform circular motion is zero in magnitude as in direction.
तो हमको ये चौथा पॉइंट भी मिल गया कि जब अगर हम यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन की बात करें और यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में अगर एंगुलर एक्सेलरेशन की बात करते तो वो कैसा होता है, जीरो होता है मैग्नीट्यूड में और डायरेक्शन में भी। ठीक है, तो इसका स्क्रीनशॉट लिख लो, ये यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में चार हमारे पॉइंट है जो हमको इम्पोर्टेंट, इसकी इसकी आगे हमको जरूरत पड़ने वाली जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो अब इसको मैं रिस्क करता हूं और यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के बाद मैंने सेकंड पार्ट लिखा था सर्कुलर मोशन का जो था नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। तो अब हम देखते हैं नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। जैसे मैंने यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन बताया जिसमें वेलोसिटी कांस्टेंट होती है, यूनिफॉर्म यानी कोई तो भी सेम चीज, बिल्कुल उसी तरीके से नॉन यूनिफॉर्म मतलब जो सेम नहीं होगा। और अगर हम नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन की बात करते हैं तो नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में क्या चीज चेंज नहीं होगी, उसकी वेलोसिटी। जैसे अगर हम नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन की बात करते हैं, नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, तो नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में जब अगर कोई ऑब्जेक्ट सर्कुलर मोशन कर रहा है, जब भी कोई ऑब्जेक्ट अगर सर्कुलर मोशन कर रहा है और उस सर्कुलर मोशन करते समय अगर उसकी वेलोसिटी चेंजेस होती है मैग्नीट्यूड और साथ में डायरेक्शन, वो वेलोसिटी अगर चेंज हो रही थी ऑब्वियसली मैग्नीट्यूड में तो चेंजेस आएगा ही। ठीक है, तो जैसे अगर अभी मैंने ये यहाँ पे एक सर्कल बना दिया, ये सेंटर है यहाँ से लेकर यहाँ तक की रेडियस, तो जब अगर इसकी कुछ वेलोसिटी है, डायरेक्शन तो हमेशा चेंज होगी लीनियर वेलोसिटी की, लेकिन अगर यहाँ पे उसका मैग्नीट्यूड अगर 5 मीटर पर सेकंड आ रहा है और अगर मैं यहाँ पे बात करता हूँ उसकी वेलोसिटी, तो जरूरी नहीं कि यहाँ पे 5 मीटर पर सेकंड ही उसका मैग्नीट्यूड आएगा, कुछ भी आ सकता है 6 मीटर पर सेकंड आ सकता है। यहाँ पे अगर हम बात करें तो शायद उसका मैग्नीट्यूड कम हो जाए, 4 मीटर पर सेकंड आ सकता है, किसी भी तरीके से उसका मैग्नीट्यूड चेंज हो सकता है। और जब अगर कोई पार्टिकल अगर सर्कुलर मोशन कर रहा है और उस सर्कुलर मोशन करते समय अगर उस पार्टिकल के अगर वेलोसिटी चेंजेस होती है तो उस प्रकार के सर्कुलर मोशन को हम बोलते हैं नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। जैसे सर्कुलर मोशन की मैंने एग्जांपल बताया था आपको, तो सर्कुलर मोशन के एग्जांपल में मैंने आखिरी में कुछ ऐसे ही हमारे जो जनरल लाइफ में देखते हैं एक एग्जांपल बताया था, अगर कोई लड़का है उसकी कोई खास फ्रेंड किसी स्कूल या कॉलेज में पढ़ती है, अब उससे मिलने जाना है और स्कूल की छुट्टी या कॉलेज की छुट्टी होने को है तो उसके स्कूल के या कॉलेज के राउंड लगाएगा। अब अगर साइकिल से राउंड लगा रहा है शुरुआत में तो बढ़िया जोर शोर से बढ़िया साइकिल चला चला के पैडल मार मार के जाएगा, लेकिन जैसे जैसे उसकी मतलब जैसे जैसे उसकी एनर्जी लॉस होती जाएगी वैसे वैसे उसकी साइकिल कैसे होती जाएगी, स्लो होती जाएगी। और साइकिल अगर स्लो हो रही है मतलब क्या हो रहा है, उसके वेलोसिटी में आ रहा है चेंज। अब अगर किसी भक्त को कुछ मांगना है, जैसे अब अगर 12th का रिजल्ट आता है, किसी अब कोई रहता है कि नहीं भगवान के ऊपर पूरा भरोसा है, भगवान लोगों को फेल नहीं कराएंगे, अच्छे परसेंटेज से पास कराएंगे, तो अगर वो मंदिर के तरफ चारों ओर चक्कर मारता है तो शुरुआत में तो बढ़िया चक्कर मारते जाएगा जोर जोर से, लेकिन ऐसा जरूरी है कि जब वो शुरुआत में चक्कर मारेगा तो बिल्कुल सेम स्पीड से मारे या सेम वेलोसिटी से मारे, ऐसा जरूरी नहीं है, कहीं ना कहीं उसकी वेलोसिटी में चेंजेस आने वाला है। और जब अगर कहीं पे भी अगर कोई ऑब्जेक्ट सर्कुलर मोशन कर रहा है और उसके वेलोसिटी में चेंज आ रहा है, इसका मतलब वो कौन सा मोशन कहलाएगा, नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। तो नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में बस एक ही बात ध्यान रखना है कि अगर कोई पार्टिकल अगर सर्कुलर मोशन कर रहा है और उस सर्कुलर मोशन करते समय अगर उसके वेलोसिटी में चेंज आ रहा है, उसके वेलोसिटी में अगर चेंज आ रहा है तो उसी सर्कुलर मोशन को हम बोलेंगे नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। ठीक है, अब इसकी डेफिनेशन लिखता हूं मैं सामने। नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन की डेफिनेशन आपको स्क्रीन पे दिख रही है, द मोशन ऑफ पार्टिकल अलोंग द सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल विद चेंजेस वेलोसिटी इज कॉल्ड एज नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। जब जब कोई अगर पार्टिकल सर्कुलर मोशन कर रहा है वहाँ पर उसके अगर वेलोसिटी चेंज हो रही है तो उस प्रकार के हम मोशन को बोलेंगे नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। आज की हमारी क्लास यहीं पे ख़त्म होती है, हम आगे का टॉपिक अब अगले लेक्चर में देखेंगे। थैंक यू।